नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई में खेला गया पहला वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत लिया है। गौरतलब है कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में 255 रन ही बना सकी। जवाब में डेविड वार्नर और एरन फिंच की शतों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 37.4 ओवर में 258 रन बनाए और ये मैच 10 विकेट से जीत लिया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे 17 जनवरी को सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली 10 विकेट की हार के बाद दूसरे मैच के लिए भारतीय टीम में बदलाव होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई है। बेशक मुंबई में किसी भी भारतीय गेंदबाज को विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरे मैच में रविंद्र जडेजा के स्थान पर युजवेंद्र चहल को शामिल किया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक चहल कुलदीप की जोड़ी भारत के लिए 34 वनडे साथ खेले है, जहां भारत को 24 मैचों में जीत मिली है, जबकि 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और एक मैच टाई रहा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में चहल कुलदीप की जोड़ी एक बार फिर साथ में दिखाई दे सकती है। केदार जाधव को जरूरत पड़ने पर विकेट लेते हुए देखा जा चुका है। जाधव को ऋषभ पंत की जगह पर मौका दिया जा सकता है। इस स्थिति में पंत की जगह लोकेश राहुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर के स्थान पर नवदीप सैनी खेल सकते हैं। भारत की संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली कप्तान, लोकेश राहुल विकेट कीपर, श्रेयस अय्यर, केदार जाधव, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।